नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखने आए तो आपका धन्यवाद तो बनता है। आज शादी को लेकर सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। लव अरेंज ये भी आपको पता लगने वाला है और प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा ये भी आपको पता लगने वाला है। काफ़ी कमेंट इस चीज़ के आ रहे थे कि भाई शादी के बारे में बताओ, तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न रहता है लव होगी या अरेंज। तो उसके लिए देखिए कि जो हमारी हृदय रेखा है, ये है हमारी हृदय रेखा, ये सीधी जब बृहस्पति पर्वत तक चली जाए तो ये लव मैरिज के चांस ऐसे में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर इनके लव मैरिज होती है। उसके साथ साथ एक रेखा हृदय रेखा में से निकलकर शनि पर्वत पर आ जाए तो ऐसे में घर के भी मान जाते हैं और सुख शांति से लव मैरिज वाले रहते हैं। और मित्रों, उसी के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, ये हृदय रेखा अगर यहाँ भी आए या फिर इधर बीच में सीधी चली जाए, ऐसे में कोई चांस लव मैरिज के नहीं है, इसमें अरेंज भी है और खुशी खुशी पति पत्नी रहते हैं। फिर मित्रों, पहले ये देखते हैं कि हाथ में शादी का योग है या नहीं है। के लिए देखना होगा हमें विवाह रेखा, विवाह रेखा होती है हमारी बुध पर्वत पर, ये होती है हमारी विवाह की रेखा। मित्रों, इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी? मित्रों, अगर इसका नीचे को लिए झुकाव है तो ऐसे में आपकी शादी होती है, और इसके ऊपर के लिए अगर झुकाव है इस तरह प्रकार से, तो ऐसे व्यक्तियों की सोच साधु संत या फिर सांसारिक जीवन इससे अलग हो जाती है, जिस कारण वो शादी नहीं करते। और यहाँ क्रॉस का साइन हो गया तो शादी होती ही नहीं है। ठीक है मित्रों, उसी के बाद अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं सबसे बड़ा प्रश्न रहता है मित्रों कि पंडित जी ये बताइए कितनी उम्र में हमारी शादी होगी। चलिए इसको भी आज क्लियर करते हैं। होती है हमारी हृदय रेखा मित्रों, ये 50 का आंकड़ा होता है इसका, यहाँ से एक से लेके यहाँ 50 साल उम्र होती है। और मित्रों, इस 50 साल में इसके बीच का फाट होता है 25 का, यानी कि 25 ये हुआ, 25 ये हुआ। अब आप देखिए आपके जो विवाह की रेखा है वो कितने साल में आके बन रही है, यहाँ अगर आई तो ये 24 साल हो गया, इधर अगर आई तो ये 30-32 से भी ऊपर पहुँच गया। तो आप देखिए कि आपकी विवाह की रेखा कहाँ है। माना आपकी विवाह की रेखा है यहाँ पर, तो आपकी 18 साल में ही शादी हो जाएगी। इस प्रकार से आप नापिए कि आपकी शादी की रेखा कहाँ है, आप अपने हाथ में देखिए कि कहाँ पर आपकी शादी की रेखा है, उससे मित्रों पता चलेगा कितने वर्ष में आपकी शादी होगी। और मित्रों, एक प्रश्न और रहता है कि अगर इस विवाह रेखा पर कोई क्रॉस का साइन बन जाए, तो मित्रों इसमें देखा गया है प्राय कि जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन अच्छा नहीं चलता, और इसमें कोई तिल आ जाए तो भी गड़बड़ वाली बात है। और मित्रों, इसमें कोई यव का साइन बन जाए तो ऐसे में डिवोर्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि इसमें सीधा क्रॉस बन जाए तो आप कह दें कि ये अच्छा नहीं है। अगर इसमें क्रॉस बन भी रहा है और जीवन रेखा के साथ में एक सपोर्ट की लाइन जा रही है, तो ये क्रॉस, तो इस क्रॉस का जो दोष है वो हट जाता है। चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं। मित्रों, अगर बृहस्पति पर्वत पर एक क्रॉस बना है तो ऐसे व्यक्ति भी प्रेम के मामले में आगे होते हैं और अपनी मन मर्जी की शादी करना चाहते हैं। और मित्रों, इस प्रकार से रेखा, विवाह रेखा के साथ में एक छोटी सी रेखा मिल जाए और यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह बने, तो प्राय देखा गया है कि ऐसे लड़के या लड़कियाँ अपने अदर कास्ट से शादी कर लेते हैं। और मित्रों, अगर आपका पार्टनर आपकी सहमति से चलेगा या नहीं चलेगा, आपके जो जीवन साथी है वो आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, समझेगा या नहीं,